नमस्कार, मैं रश्मि रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, बैकुंठ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सिवान, बिहार। मैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो लेक्चर होगा वो होगा रेनफोर्समेंट स्किल पर। सबसे पहले ये बता दूँ कि ये रेनफोर्समेंट स्किल होता क्या है। रेनफोर्समेंट मीन्स होता है वह अनुक्रिया, वह उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रदान हम करते हैं, उसे रेनफोर्समेंट के नाम से जानते हैं। पुनर्वर्धन का तात्पर्य होता है पुनः बल देना, अर्थात ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना या उन्हें हटाना ताकि किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। यानी किसी अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए जब हम कोई भी उद्दीपक को प्रेजेंट करेंगे या उसको उस परिस्थिति से हटाएंगे तब हम उस कौशल को पुनर्वर्धन कौशल के नाम से जानेंगे। इससे सीखने की प्रक्रिया में गतिशीलता आ जाती है। शिक्षक के ये सकारात्मक व्यवहार छात्रों के लिए उद्दीपन का कार्य करता है। पुनर्वर्धन जो कौशल है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे टीचर एजुकेशन में। इस कौशल के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास के हम वृद्धि कर सकते हैं। पुनर्वर्धन कौशल छात्रों के आंतरिक जो व्यवहार हैं उस व्यवहार को परिवर्तन करने में शक्ति प्रदान करता है। यह जो कौशल है छात्रों को अच्छे कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है, या जिस कार्य के बाद हम इस कौशल का प्रयोग करते हैं या मीन्स की पुनर्वर्धन का हम प्रयोग करते हैं तो वह कार्य वो बालक भविष्य में करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। अब हम आते हैं पुनर्वर्धन के प्रकार पर। सामान्य रूप से पुनर्वर्धन के दो प्रकार होते हैं। पहला है वो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, जिसको हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और निगेटिव रेनफोर्समेंट के नाम से जानते हैं। धनात्मक पुनर्वर्धन वैसे पुनर्वर्धन को कहते हैं जिसमें किसी भी प्रबलक को, किसी भी स्टिमुलस को जब परिस्थिति में उपस्थित किए जाते हैं तो उसको पुनर्वर्धन धनात्मक पुनर्वर्धन के नाम से जानते हैं। या इसके दूसरे शब्दों में हम कहें, इसके देने से क्या होता है, उस अनुक्रिया जो अनुक्रिया है वो बढ़ जाती है प्रेजेंट करने से, यानी स्टिमुलस को प्रेजेंट करने से, उपस्थित किसी परिस्थिति में उपस्थित करने से पुनर्वर्धन वह अनुक्रिया बढ़ जाती है। जैसे हम भोजन देते हैं, जैसे हम शाबाशी देते हैं, किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट देते हैं, तो यह सब जब हम प्रेजेंट करेंगे तब उसको हम धनात्मक पुनर्वर्धन के नाम से हम जानेंगे। ये जो धनात्मक पुनर्वर्धन है, जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, वो भी दो तरह से दिया जा सकता है। वो एक शाब्दिक रूप से और एक अशाब्दिक रूप से। शाब्दिक रूप से जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, अति उत्तम, बिल्कुल सही, इस तरह का जब शब्द का हम प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा किसी भी छात्र के अनुक्रिया को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये एक धनात्मक पुनर्वर्धन के प्रकार होंगे। जैसे दूसरा है धनात्मक अशाब्दिक पुनर्वर्धन। जैसे हम कुछ शब्द के प्रयोग नहीं करके फिर भी हम किसी बालक को एक पुनर्वर्धन देते हैं, जैसे मुस्कुरा करके, सिर हिला करके, आँख के इशारे से, मुख मुद्रा के द्वारा सहमति दे करके, इस तरह का जब हम पुनर्वर्धन का प्रयोग करेंगे वो आपको धनात्मक पुनर्वर्धन और शाब्दिक पुनर्वर्धन होगा। उसके बाद ये जो है, यदि हम ऋणात्मक पुनर्वर्धन को यदि हम एक शब्द में डिफाइन करें, उसको परिभाषित करें, तो ये हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक पुनर्वर्धन से तात्पर्य एक ऐसे पुनर्वर्धन से होता है जिसे परिस्थिति से हटा लेने पर भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जब ठंड का मौसम होता है, ठंड को हटा लेंगे, ठंड को किसी परिस्थिति से हटा लेंगे तो हमारे पढ़ने की या कोई चीज़ के सीखने की जो आवृत्ति होगी वो बढ़ जाएगी। यदि बहुत तेज़ रोशनी है, उस रोशनी में हमें कार्य करने में समस्याएं आती है, उस समस्या को हटाने के लिए जब रोशनी हम कम कर देंगे वो भी एक तरह का ऋणात्मक पुनर्वर्धन का उदाहरण होगा। मूल्यांकन के घटक। ये जो पुनर्वर्धन कौशल है, पुनर्वर्धन कौशल को हम मूल्यांकन करने के लिए कुछ इसके घटक निर्धारित किए गए हैं। वह घटक के आधार पर हम ये कौशल का हम सही प्रयोग किए या नहीं किए उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं।
उसके घटक में सबसे पहला जो है वो है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। क्या जब हम टीचिंग करते हैं, जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, उसके बीच बीच में हमें एक सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम ये प्रयोग करते हैं तो हमारा ये माना जाता है कि हम एक पुनर्बलन का प्रयोग हम अपने क्लास में कर रहे हैं। दूसरा है पुनर्बलन का सही चयन। हमें हर एक छात्र के हर एक एक्टिविटीज़ पर, हर एक क्रियाकलाप पर हमें अलग अलग तरह के पुनर्बलन का चयन करना चाहिए, जिससे कि वो उस कार्य को सही से कर सकें। उसके बाद सकारात्मक अशाब्दिक संकेत का प्रयोग। हमें हरदम एक शाब्दिक रूप से ही पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अशाब्दिक रूप से भी इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। हमें कुछ नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है पुनर्बलन का सही प्रयोग। हम हर एक एक्टिविटीज़ पर पुनर्बलन कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं, उसको उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद है हमें पुनर्बलन के प्रयोग करते समय हमें बीच बीच में मौन विराम भी रखना चाहिए, जिससे कि हम छात्रों पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण रख सकते हैं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है चयनित छात्रों के लिए हेतु पुनर्बलन का प्रयोग। हमें कभी कभी क्या होता है शिक्षण में कि हम कुछ छात्र को चयन कर लेते हैं और उस चयनित छात्र को ही हम हर एक समय हम पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि दूसरे छात्र का पर भी इसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें हर एक छात्र पर इस तरह के पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी हम लोग टीचिंग में एक ही तरह के पुनर्बलन का पुनरावृत्ति करते हैं, तो इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए हमें। पुनर्बलन देने में अलग अलग तरह के, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह के हमें पुनर्बलन की प्रयोग करनी चाहिए, जिसके द्वारा हम छात्रों को अपनी किसी अनुक्रिया करने के लिए हम उत्प्रेरित कर सकते हैं। सांस्तः हम ये कह सकते हैं कि पुनर्बलन एक ऐसा उद्दीपक होता है, एक ऐसा स्टिमुलस है जो कि किसी अनुक्रिया को करने के लिए हम, या उस अनुक्रिया के पुनरावृत्ति को बढ़ाने के लिए हम प्रदान करते हैं। थैंक यू।